हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लंबा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पीएचडी एडमिशन 2020 में, जो कि आपकी हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी से आपकी आई है। यहां पर 100+ सीट्स का यहां पर हैं और बी ग्रेड आपकी यूनिवर्सिटी नैक के द्वारा एक्रेडिट की हुई है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से ये आपकी पीएचडी नोटिफिकेशन यहाँ आ रही है। इसके बारे में सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगती है, नोटिफिकेशन अच्छी लगती है तो लाइक भी अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये पीएचडी एडमिशन नोटिस आपका 2020 और 2021 के लिए आपका ये रहने वाला है। यहाँ पर जो सीट्स हैं पीएचडी में आपका, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बिजनेस एड, यहाँ पर कॉमर्स आपका, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, फिजिकल एजुकेशन, आपकी पब्लिक एड की सीट्स रहने वाली हैं। यहाँ पर जो फीस की बात करें तो आपकी ऑनलाइन फीस यहाँ पर आपको पे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर ये आपकी वेबसाइट का लिंक है, इस पर जाकर आप कर सकते हैं। इसमें आपका 1650 रुपये फीस आपकी जनरल कैंडिडेट के लिए और 450 यानी कि 450 रुपये एससी, बीसी और डीएपी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है ये आपकी फीस, राइट। इसके साथ साथ जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म की, वो आपकी 10/9/2020 है। इसके साथ साथ जो भी वैकेंट सीट हैं, जो भी एलिजिबिलिटी है, वो आपकी जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम ये बात कर देते हैं कि एडमिशन नोटिस है जो आया है उसमें कौन कौन सीट्स हैं, विवरण कैसे कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट यूजीसी, सीएसआईआर, डीबीटी, नेट, गेट या स्लेट है या एमफिल किया हुआ है, तो वो आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट है वो नहीं लिया जा रहा, डायरेक्ट आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं कराया जाएगा। पीएचडी एडमिशन के जो आपके क्राइटेरिया हैं उसमें आपके जो भी कैंडिडेट यूजीसी, सीएसआईआर, नेट हैं, नेट गेट हैं, उनकी 30 मार्क्स, 50% यहाँ पर वेटेज दी जाएगी, यहाँ पर क्राइटेरिया होगा। और 30 मार्क्स यहाँ पर जो कैंडिडेट अवार्डेड स्कोर के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर डिवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें 30% आपकी वेटेज यहाँ पर से ली जाएगी और 20% आपकी वेटेज होगी वो आपके इंटरव्यू में, आपके जो भी इंटरव्यूअर आपके यहाँ से 20% में से देने होंगे। तो एक तरीके से ये क्राइटेरिया होगा, इस तरीके से आपके नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये आपका एडमिशन क्राइटेरिया रहने वाला है, राइट। इसके साथ साथ आपकी जो शेड्यूल है आपका यहाँ पर 25/8 सबमिशन ऑनलाइन यहाँ पर जो है ये आपकी देख सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर आपकी जो है 10/9/2020 से पहले पहले आप यहाँ पर कर लें। कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर 15/9/2020 को आपकी शो कर दी जाएगी। इंटरव्यू कम काउंसलिंग जो आपकी है आपकी 16/9/2020 को आपकी हो जाएगी। तो एक तरीके से आपकी जो भी लिमिटेड नंबर ऑफ ईच सेशन आपकी डिवाइड करके डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा कोविड-19 प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाएगी मेरिट लिस्ट आपकी 24 सितंबर को, 25 सितंबर को आपको फीस सबमिट करनी है और ये आपका प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि पीएचडी की एडमिशन सीट कौन कौन सी हैं, कहाँ। तो सबसे पहले तो आपकी जो टोटल सीट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 11 सीट हैं, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि ऑल इंडिया में आपकी 2 हैं, 5 आपकी ओपन हरियाणा की हैं, 1 आपकी एससी की है, 1 आपकी डीएससी की है, 1 आपकी बीसीए और 1 आपकी बीसीबी की सीट्स रहने वाली हैं, ये आपका सब डिवीज़न देख सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 सीट हैं, केमिस्ट्री में 1 सीट है, आपकी कॉमर्स में 10 सीट हैं, आपकी कंप्यूटर साइंस में 8 सीट हैं, इकोनॉमिक्स में 6 सीट हैं, एजुकेशन में 13 सीट हैं, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस में आपकी 2 सीट हैं, इंग्लिश में 2-4 सीट हैं, आपके फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 सीट हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 5 सीट हैं, लॉ में आपकी 4, मैथमेटिक्स में आपकी 2 सीट हैं, फिजिकल एजुकेशन में 17, फिजिक्स में आपकी 7 और पब्लिक एड में आपकी 7 सीट रहने वाली है। तो एक तरीके से ये आप देख लें कि कौन कौन सी सीट्स के दी हुई हैं। इसमें आपका कोई सब्जेक्ट है किसी के एप्लीकेंट्स का आता है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, राइट। तो ये आप याद रखें। इसके साथ साथ जो भी आपके डीएमसी हैं या फिर आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं वो आपको काउंसलिंग के समय लेकर जानी होंगी, ये आप याद रखें। आपका कोई गैप है तो गैप का सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है, गैप ईयर सर्टिफिकेट यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया हुआ है। तो एक तरीके से ये चीज़ें आपकी यहाँ पर मिलती हैं।
अदर जो डॉक्यूमेंट हैं आपके यूजी पीजी के डिग्रीज भी आपको यहाँ पर कैरी करनी है। तो ये आपके जो भी डेट ऑफ एनरोलमेंट पीएचडी प्रोग्राम जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये काउंसलिंग के समय आपको लेकर जानी होगी, राइट। इसके साथ साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ कैरी करना है, ये भी आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आपका थर्ड पॉइंट, राइट। तो ये एक तरीके से प्रोसेस था सारा का सारा जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई भी पॉइंट यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम चैनल से इसका लिंक या फिर इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो सभी चीज़ें आप वहाँ फॉलो कर लें, वहाँ पर आप पढ़ लें ताकि आपको सभी चीज डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।